अभी हम आए हैं बीरकमल पार्टी के ऑफिस में हमीरपुर में, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो 1,00,000 वोट से लीड दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी से कि वो इस लीड जो 1,00,000 की दे रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआती रुझान हैं और इन रुझानों में 1,10,000 के आसपास हमारी लीड हो चुकी है और हम ये मानते हैं कि अभी ये और बढ़ेगी और हो सकता है पिछली बार से डबल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर चल रही थी, हमें इसका अंदाज़ा था लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था। हम प्रदेश की जनता के और हमीरपुर पार्लियामेंट्री के वोटर्स के बहुत आभारी हैं जिन्होंने अनुराग ठाकुर जी के कामों को सराहते हुए उन्हें इतने भारी बहुमत से विजय दिलवा रहे हैं। उन सब का हम बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कितने तक वोटों से जो है वो जीत सकते हैं अनुराग ठाकुर? जिस प्रकार से अभी ये चल रहा है और जिस प्रकार से लीड बन रही है, ये आंकड़ा मुझे लगता है 2,00,000 को छुएगा। जारी हो चुकी है, जैसे उसका जान आता है आप लोगों के लिए परिणाम जो है वो भी जल्दी मिलने वाला है। धन्यवाद। चरण की जो मतगणना प्रक्रिया हमारी वो पूर्ण हो चुकी है, जिसमें कुल मत जो है वो 22,000 पड़े हैं, जिसका परिणाम आप लोगों के समक्ष हमने रख दिया है। 8वें चरण की मत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं देहरा जसवां परागपुर के प्रभारी रहे विजयपाल सुहारू जी। सुहारू जी, आपके क्षेत्र से भी भारी संख्या में लीड आ रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे देश में एक ही ट्रेंड है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पे वोट डाला है। ये एक ऐतिहासिक फैसला किया है लोगों ने। हम तो पहले ही कहते थे ये जो सरकार चुनी है ये 5 साल के लिए नहीं है, ये 15-20 साल के लिए सरकार है और लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है। इस बार अभी तक जो के जो ट्रेंड या जो हमें लीड के रुझान मिले हैं उसमें 2,00,000 से ऊपर, हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पे 2,00,000 से ऊपर हम लोग लीड कर रहे हैं। मोदी जी में अटूट विश्वास है लोगों का, इसी वजह से ये सारे लीड मिली है हमें। सौरव जी, कहीं ना कहीं देखा जाए परसेंटेज ऑफ द वोटिंग जो है लगभग 70% जो वोट है वो अनुराग सिंह ठाकुर को पड़ा है हर विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं थी, लोगों ने वोट मोदी जी अनुराग जी के नाम पे डाला है। हर विधानसभा क्षेत्र से, हमीरपुर लोकसभा में हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10,000 से ज़्यादा लीड मिली है अनुराग ठाकुर जी को और पूरी पार्लियामेंट्री में हम लोग 2,26,000 टच कर चुके हैं। अभी 3 राउंड की काउंटिंग होनी और बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हम 3,00,000 तक टच कर जाएंगे। एक ही ट्रेंड है पूरे देश में, जो पूरे हिमाचल में और हमीरपुर में वही है, भारतीय जनता पार्टी मोदी। अनुराग ठाकुर इस बार चौका लगा रहे हैं, जहां कहा जा सकता है लगा ही दिया है, लेकिन अगर कहा जाए तो मंत्री पद के लिए हमेशा उम्मीद रहती थी कि उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि युवा चेहरा है, मंत्री पद के लिए दिया जाए, क्या चाहेंगे इस बार की क्या? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुराग सिंह ठाकुर मोदी जी की कैबिनेट में एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे उभर के सामने आएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे कि इस लेवल के कैंडिडेट को, इस लेवल के युवा को वो अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सीट देंगे।
तो ये थे हमारे साथ विजय पाल सुहारू, जिनका मानना है कि इस बार ना सिर्फ वो चौका लगाएंगे बल्कि मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में भी अपनी जगह बनाएंगे। ठाकुर जी हैं वो 2 लाख 2.5 लाख से जो ज्यादा की लीड दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज्यादा लीड से वो जीतेंगे इस बार? इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर पूरे भारतवर्ष में चल रही है और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल कर रही है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने सांसद अनुराग ठाकुर जी को, जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत, अपने कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। हम बार बार बधाई देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाने में कामयाबी हासिल की है और अनुराग ठाकुर एक युवा नेतृत्व के रूप में पूरे हिंदुस्तान में उभर करके सामने आए हैं। हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद अनुराग ठाकुर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार अनुराग ठाकुर कितने ज्यादा वोटों से जीतेंगे? इस बार गिनती भी कम पड़ गई है, जितनी प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिमाचल प्रदेश में है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मुझे लगता है कि अभी तक 2.5 लाख तक लीड आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की हुई है और ये आंकड़ा मुझे लगता है कि लगभग 3 लाख तक पहुंचेगा। सर, जैसे एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे थे, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि ईवीएम में खराबी है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस हमेशा अपनी हार के लिए ईवीएम का रोना रोती है।
लेकिन जब तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई तब उन्होंने ईवीएम के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर कुशल नेतृत्व इस देश को मिल रहा है, पूरी तरह से मैं बधाई देना चाहता हूं हिंदुस्तान के चुनाव आयोग को। जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, मैं बहुत बहुत हिंदुस्तान के चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूँ। जी को 25,817, श्री देसराज जी को 215, श्री रामलाल ठाकुर जी को 8,944, श्री कृष्ण गोपाल जी को 64, श्री तुलसीराम शर्मा जी को 41, श्री राम सिंह शुक्ला जी को 47, श्री आशीष कुमार जी को 22, श्री अशोक शर्मा जी को 12, श्री प्रवीण ठाकुर जी को 8, श्री राधा कृष्ण रोहतोटा को 272। इस तरह 11 राउंड हमारे पूरे हो चुके हैं, 12वें की मतगणना जारी है, जैसे ही उसका शुभ समाचार मिलता है आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं स्किल डेवलपमेंट स्टेट कोऑर्डिनेटर, आइए उनसे जानते हैं कि जो अभी तक के जो रिजल्ट आया है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे वो। आज जो चुनाव नतीजे आए हैं उन नतीजों ने ये निश्चित कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की पूरी जनता ने, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताया है। और सच में ही जो कांग्रेस मुक्त की हम बात करते हैं तो आज इन परिणामों से ये दिखता है कि पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सच में ही जो है वो कांग्रेस मुक्त जो है वो हमें शासन मिला है। और आज जो ये जो जीत हुई है निश्चित तौर पर जो है मुझे लगता है कि ये जो चुनाव लड़ा है ये जनता के द्वारा लड़ा गया चुनाव है। और आज ये जो जीत हुई है ये अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और अद्भुत जीत है इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस ये जो जीत जो है यहाँ होने जा रही है अनुराग ठाकुर जी की, जो उन्होंने यहाँ इस संसदीय क्षेत्र के अंदर काम किए हैं उस पर भी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने मोहर लगाई है। तो एक बार पूरे लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से जो है एक बार अनुराग जी को और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई।
सर जो इस बार बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है और जो ज़्यादातर वोटिंग है वो अनुराग जी के पक्ष में हुई है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो भी वोटिंग हुई है उस पर जो है जितना भी वोट बढ़ा है, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और इस संसदीय क्षेत्र के अंदर भी बहुत प्रतिशत में जो है वो मतदान लोगों ने किया, और चाहे वो महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, सबने जो है जो मतदान जो है वो मोदी जी के पक्ष में किया। और जो मोदी जी ने काम किए, आदरणीय अनुराग जी ने जो काम किए, उन पर जो है उन लोगों ने मोहर लगाई है। आपको क्या लगता है कि कितने ज्यादा वोटों से अनुराग ठाकुर जो है वो जीतेंगे? देखिए, अभी परिणाम आना तो बाकी है, लेकिन जब जहां तक जो अभी परिणाम आए हैं, मुझे लगता है कि अभी 2 लाख से ऊपर जो है अनुराग जी चल रहे हैं, तो ये लीड जो है वो 2.5 लाख से ऊपर जाएगी। और जो मैंने पहले कहा कि ये जीत जो है वो बहुत बड़ी जीत जो है वो संसदीय क्षेत्र के लोगों ने जो है वो आदरणीय मोदी जी की झोली में डाली है, और आदरणीय अनुराग जी को जो है वो यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। इसके लिए पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को जो है वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। अरे मिस